नमस्कार, टैक्सलामा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको MSME रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगी। MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि MSME का फुल फॉर्म है। इंडिया के मोस्टली जो बिजनेस हैं वो MSME के कैटेगरी में ही आते हैं, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के कैटेगरी में ही इंडिया के जो मोस्ट बिजनेस हैं वो आते हैं। गवर्नमेंट इन बिजनेसेस के लिए बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स लाती रहती है, जिनका कि अगर आपको बेनिफिट लेना है अपने बिजनेस के लिए तो आपको MSME के अंडर रजिस्टर होना होगा। यानी कि आपका जो बिजनेस है वो MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर रजिस्टर होना चाहिए। ये MSME रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आपके बिजनेस का लीगल डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, आपका बिजनेस जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। तो अगर आप अपने बिजनेस का MSME रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप MSME रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप हम पूरा रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अपने बिजनेस का MSME रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट udyamregistration.gov.in पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, वहां से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको यहां नीचे आना है, वेलकम टू रजिस्टर हियर। यहां पर आपको इस पहले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर फिलअप कर लेना है। आपके आधार कार्ड पर जिस भी तरह से आपका नाम है वो यहां पर आपको फिलअप कर देना है, नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर के सेक्शन में। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड करना है, वेरीफाई करना है यानी कि एक्सेप्ट करना है। उसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उसे यहां पर फिलअप करके वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका आधार कार्ड जो है वो वेरीफाई हो चुका है, नया पेज आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर आप टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि प्रोप्राइटरी का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, पार्टनरशिप का, कोऑपरेटिव का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। तो यहाँ पर आपका जो बिजनेस टाइप है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि अगर आपका इंडिविजुअल बिजनेस है, सिंगल प्रोप्राइटरी वाला बिजनेस है, तो आप यहाँ पर प्रोप्राइटरी के ऑप्शन को चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पैन के सेक्शन में अपना पैन नंबर फिलअप करना है, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड करना है, एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद पैन वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।